स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टर्बोटेक वन पे। आज हम वापस आ गए एक और नए फोन का रिव्यू करने। तो इस बार का मॉडल है गैलेक्सी J7 Max। तो अब हम करेंगे इस फोन का क्विक स्पेक्स, मैं बताऊंगा इसका कुछ प्रोस बताऊंगा, इसका कुछ कॉन्स बताऊंगा, और आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं तुहिन कर्मकार आपको दूंगा इस फोन के बारे में पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुहिन, आप देख रहे हैं टर्बोटेक वन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा बेसिक फोन। तो इसमें आपको मिलता है एक 5.7 इंच का डिस्प्ले, एक 1.7 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मीडियाटेक हेलियो P20 प्रोसेसर। सामने आपको मिलता है फ्रंट फ्लैश, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, कुछ सेंसर्स वगैरह। ये फोन सेंसर से बड़ा हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट। और पीछे आपको मिलेगा स्मार्ट ग्लो, 30 मेगापिक्सल का एक और कैमरा, एक सिंगल LED फ्लैश, नई बैटरी रिमूवेबल नहीं है, पूरा मेटल बॉडी यूनिबॉडी डिजाइन है। यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड ट्रे, सिम ट्रे, वॉल्यूम रॉकर, और राइट साइड में आपको मिलता है एक ईयर पीस, एक साइड का और एक पावर बटन। तो दोस्तों अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी इस फोन का अनलॉक करते हैं, और इस फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो सामने प्लेस हुआ है। तो लेट्स ट्राई दिस फिंगरप्रिंट। ओके सो लेट्स सी, पहले इसको मैं नॉर्मली अनलॉक करता हूँ, इट्स क्विक। ओके तो इसको मैं एक बार फिर से फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। ओ इट्स डन, इट्स रियली क्विक। एक बार फिर से करते हैं, चलिए। ओके बहुत जल्दी है, लेकिन फिंगरप्रिंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे कि मैं कह रहा था दोस्तों, ये हम आ गए अभी सेटिंग्स में। अभी सेटिंग्स बस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, देखते हैं अबाउट फोन में इसका क्या मिलता है आपको। ओके गैलेक्सी J7 Max, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आपको मिलता है सैमसंग का 8.1 का 7 एक्सपीरियंस वर्जन, लेकिन एंड्रॉयड आपको मिलता है नोगट। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड पर रन नहीं करता, जो एक बहुत ही बुरी बात है। तो फिर से इसको अनलॉक करते हैं दोस्तों, एक मिनट। तो दैट वाज गुड एंड लेट्स सी, इसका बिल्ड नंबर अच्छा है, कर्नल वर्जन भी 4.4 है और बहुत बस ठीक ही है। 4 GB का रैम आपको इस फ़ोन में मिलता है, और इस फ़ोन को बस यूजर्स करते हुए तो कुछ लैग आपको वैसा दिखने को नहीं मिलेगा एकदम डायरेक्टली। और ये कुछ बिल्ट इन अनलॉक्स भी है जो मैंने सेट किया हुआ है, वो बस छोड़ दीजिए इस ब्लॉक, मैं खुद याद नहीं रखता आप कैसे रहेंगे। तो बस बाद छोड़ दीजिए इस टॉपिक को। नोटिफिकेशन बार इज रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो द रेस्ट ऑफ थिंग्स रेस्ट टू चेक इज इट्स कैमरा। तो देखते हैं दोस्तों इसका कैमरा कितना फास्ट है। अभी बैटरी लो हो रहा है, कभी छोड़ते हैं तो देखते हैं। फोकस बहुत अच्छा से ये फोकस कर रहा है, एकदम क्विक क्रिस्प फोकस अच्छा है। अभी फ्रंट कैमरा भी एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। ओके फ्रंट कैमरा इज़ रियली गुड, रियली गुड। एक बार फ्लैश के साथ एक पिक्चर भी हम ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं। ओके दैट्स अ गुड पिक्चर, पिक्चर क्वालिटी इज रियली ग्रेट एंड द बैक कैमरा इज ऑल्सो गुड। दोस्तों इस बेसिक फ़ोन में आपको तो बहुत कुछ फीचर्स तो आपको मिलते ही है, इसके साथ आपको मिलता है एक 32 GB का बिल्ट इन स्टोरेज, वो जो एक्सपेंडेबल है आप टू 2 TB तक, और आपका इतना भी शायद आपको अपडेट्स भी ये रेगुलरली मिलता रहेगा। ये बहुत अच्छा फ़ोन है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है, इसका स्पीकर बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम जिसमें मैं देख रहा हूँ कि ये फ़ोन कुछ जल्दी हीट कर रहा है, और बस इतना ही इस फोन के बारे में अभी है। तो चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों ये था गैलेक्सी J7 Max के एक क्विक वीडियो, यहाँ पे हमने बात किया इसका स्पेक्स के बारे में, इसके कुछ प्रोज के बारे में। तो अभी इसका जो हाईलाइट्स आपने देखने को मिला हुआ है, एक 4 GB का रैम आपको मिल रहा है, इसमें आपको 32 GB का स्टोरेज भी मिल रहा है, और बस इतना ही नहीं, इसमें आपको मिल रहा है एक हेलियो P20 का एक प्रोसेसर। लेकिन इसका कुछ कॉन्स है जिसमें सबसे मैं पहले हाईलाइट करना चाहूँगा, यार 18,000 फ़ोन में आप P20 के लिए क्यों जाएंगे? मतलब इस फोन में सैमसंग शायद स्नैपड्रैगन 835, 851 और 821 भी आपको दे सकता था, या स्नैपड्रैगन 625 भी आपको दे सकता था, लेकिन वो 625 अभी ये सब ना दे के हेलियो मतलब मीडिया टेक के हो इतना हाई बजट में, और ये जो रैम है ये फास्ट है, लेकिन शायद इससे भी बेटर हो सकता था मुझे लगता है। लेकिन ओवरऑल डे टू डे यूज़ में ये एक अच्छा फ़ोन है, आप इस फ़ोन को ज़रूर ले सकते हैं अगर आपको बजट हाई हो, वरना आप किसी और ब्रांड के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपको इसके साथ मिलेगा वो है सैमसंग का ब्रांड नेम। दोस्तों यही था इस फोन का कुछ प्रोज एंड कॉन्स। एंड हाउ है वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू से इज दैट इस फोन का शायद जो बैटरी लाइफ है वो हो सकता है कि थोड़ा कम पड़े, लेकिन क्योंकि मीडिया टेक बहुत पावरफुल है, देखते हैं इसका फोन में क्या क्या करते हैं और सैमसंग कैसे इसका अपडेट देते हैं, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा इसका फोन कैसे चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही था, होप यू लाइक द वीडियो, डू क्लिक द लाइक बटन एंड हिट द शेयर आइकन एंड ऑल्सो क्लिक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, होप यू अ ग्रेट डे।